translation of a poem. It's called Mukar. Prakat hota hai mere pet mein aur chule mein jaakar bujh jata hai agande ki mukar mat. Der raat dikhai deta hai mere ghar ki ghaas phoos ke chhappar par aur badi subah rafu chakkar ho jata hai mere jamte hue lahu mein se agande ki mukar mat. कत्तों तिनकों रुई सबका जुगाड़ कर कोई चंचल चिड़िया बना लेती है छोटा सा सलामत नील और रखती है अपना नया अंडा. त्यों भाग दौड़ कर कल शाम के कोने में मैंने रखा था तुम्हें एक अलाव के अदने से घोंसले में एक नए बड़े कुछ लाल रंग की लकीरों वाले सफेद अंडे सा. और ये मदरात की गजर बजी न बजी तब तुम तो यूं निकले बाहर अंदर से अंडा फोड़कर और यूं उड़ पड़े धुओं की दूसर आंखें फैलाकर दूर दूर तक आकाश में. अगंदे अगंदे तेरे और मेरे बीच दूरी बढ़ती जा रही है. मेरे छप्पर पर भले ही भभक उठे तू किसी के भड़काने से पर मेरे दिल में भी दहक तू मेरी पसलियों में पंख पसार. आ इधर आ अगंदे यो मुकर मत. हमारी सरकारी स्कूल के वो मास्टर जी शरीफे खरीदने आए थे. कहते थे काल कुदरत के काल चक्कर में कभी कभी हिमयुग आते हैं हजारों साल के जो चारों ओर दिखाई दे रहा है. क्या ये हिमयुग ही है अगंदे. सतत मूसलाधार वर्षा से तालाब फट जाए पानी पहाड़ तोड़कर सीम के मोहल्ले मोहल्ले में घुस जाए वैसे ही रात की पहाड़ तोड़कर पूरे प्रभात को आच्छादित कर बर्फ की बरसात होती है देर सुबह तक. एक पहर ठिठुरन से भरा होता है इन दिनों. लोगों के शरीर का अंग अंग ठिठुरने लगता है. मरघट में ठिठुरने लगती है मौत. तुम तो बेशर्मी से भड़बड़ सुलगाते हो नई नई चिताओं में जैसे बैठे बैठे कस ले रहे हो बीड़ी का गांव के बेशरम पंच सरपंच. सेक रहे हो रोटियां चिताओं की धधकती आग में. सुलगाते हो जैसे तुम्हारी बीड़ी से अपनी बीड़ी. थोड़ी दूर पर हाथ में हाथ लिए खड़े कठोर काले शरीफे को फोड़कर दिखता है मास्टर तो अंदर से निकल आता है सफेद सफेद गुदा फट पड़ा अंदर से हिमयुग. अचरज में डूबे मास्टर जी बिल्कुल भूल जाते हैं भूगोल गणित और समाजशास्त्र. बच्चे बिखर जाते हैं जैसे छुट्टी हो गई हो. वचन दिया था तुमने अलाव के चारों ओर सबको हमें इकट्ठा करके अगंदेर फिर आज ऐसा. कथावाचक महाराज ने तो कहा था गई कथा में कि तुम जातवेद हो सब कुछ जानते हो 64 विद्या 18 पुराण इतिहास भूगोल गणित और समाज विज्ञान. तो फिर क्यों ऐन वक्त पर गुमसुम हो दूर जाकर खड़े हो खोए से हाथ में थामे ये सीताफल काला भट्ट. बर्फ गिर रहा है जहां देखो वहां ठंडागार हिम गीला गच. मास्टर की चौपड़ी में सराफ के चौपड़े में महाराज की पोथी में मौलवी की किताब में साहब के रजिस्टर में डाकिये द्वारा अभी ही हाल डाले गए इस बंद लिफाफे में. बंद लिफाफे में से
निकलेगा सफेद चूर बरस, ऐसा हमें लगता है भाई। हमारे अरमान और हमारे भय के बीच खाली हाथ पड़े पथरीले प्रांगण में तू क्यों आकर खड़ा नहीं होता है अगंदे। पोथी किताब चौपड़े और रजिस्टरों का पन्ने पन्ना बिक गया है, अब पढ़े गुने उन्हें पढ़ न पाए, इस तरह दूर गए हैं अक्षर और अंक। धूल चुका अक्षरों तथा अंकों को, धूल चुके अक्षरों और अंकों को औंधी सीधी पढ़ते हैं आज गत जाजरमान हाकिम। प्रकट हो और प्रजाल दे इन पोथियों को, हम निरक्षर खुली आंखों देख लेंगे तेरे विस्फोट को, उस उजाले में साफ साफ पढ़ लेंगे अक्षर अक्षर आंकड़े हरेक किताब के। हम निकरवर फिर भी गिदानी, यह आसमान हमारे वश में नहीं है, ठंडी गार हवाएं हमारे वश में नहीं है, गाज गिराते बादल हमारे वश में नहीं है, फूटे तारा लील का पानी घुल चुके अक्षरों वाले रजिस्टर हमारे वश में नहीं है, आसमान के साथ हमारा हाड़ रक्त का नाता नहीं है, उसे कहाँ है हाड़ और मांस। आसमान का उजाला अगर हिमयुग हो और ओझल हो जाए तब उन अध्यारे ओरडे में टटोल कर उठाया गया हो एक आध लालटेन, कुछ जंग खाया कुछ दबोचाया सा चटकने वाली हंडी वाला, तब जरूर जागना, अधिक मत सोचना, नन्ही बातों के शीर्ष पर, नन्ही बाती के शीर्ष पर उभरना, गंधक और घास तेल की गंधाए, गंधक और घास तेल से गंधाए वो अगंधे, अंधियारे से घिरे फिर भी अंधियारे से जूझते, तू और मैं अवश्य बनाए रखना अटूट नाता, जिसे हांडी से हांडी तक हमने निभाया है मुकर्रर।